नमस्कार, मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। नागमती वियोगखंड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले पद देखेंगे, तपै लागा अब जेठ असाडी, बै मौकह यह चाजन गाड़ी, तन तिनुवर भा जूरों करी, मैं बिरहा आगर सिर परी, सांटी नाही लग बात को पूछा, बिन जिय बयव मूंज तन चूचा, बंद नाही औ कंद न कोई, बाक न आओ कहो के हिरोई। रवि दूबरी, देखिए रवि दूबरी बई टेक बिहूनी, तंब ना उठ सकें ना युथूनी, बर सिंह नयन चुहें गर माहा, तुम्ह बिन कंत न चाजन चाहा, कोरे कहाँ ठाठ नव साजा, तुम हबिन कंत न चाजन चाजा। देखी मैं दोबारा अंतिम, अब हो दृष्टि मया कर चाहिन, तज गर आओ मंदिल उजार हो तो है नव कहीं आनि बसाओ। यहाँ पहले इसमें दो दो अर्ध निकाल सकते हैं। पहले शब्दार्थ देखेंगे, जेठ आषाढ़, जेठ आषाढ़ के कठिनतम गर्मी के दिन हैं, चाजन मतलब छप्पर, तिनवर तिनकों का ठाठ, झूरों मतलब सूख रही हूँ, आगर मतलब अग्रिम, ओरी मतलब अगले ठाठ के बाहरी सिरे पर बंधी हुई पंक्ति, सांटी मतलब पूंजी, सेंटा सरकंडे का बंधन, मूंज एक गास जिसका बंधन बनाया जाता है, बंद बंधु, कंद सहारा, बाक बात, रर रट कर, टेक बिहूनी सहारे के बिना, थर्म सहारा, थूनी वह लकड़ी का खंबा जिस पर छप्पर ठहरता है, चाजन मतलब छप्पर, गांव में ज्येष्ठ आषाढ़ में घरों के छप्पर फिर से तैयार किए जाते हैं। अब देखेंगे व्याख्या, देखेंगे देखिए अब दोबारा पद के साथ, जे तपै लागी अब जेठ असाडी, बै मौकह यह चाजन गाड़ी। अब ज्येष्ठ आषाढ़ की गर्मी तपने लगी है, मुझे तो यह छप्पर दुखदाई हो रहा है, शरीर तिनकों का छप्पर हो रहा है और मैं कड़ी सूख रही, विरह तो आगे आगे सिर पर पड़ रहा है, जब पूंजी समाप्त हो जाती है तो कौन बात तो पूछता है, मतलब पूंजी यह मतलब नागमती के लिए पूंजी रत्नसेन है, बिना प्राणपति के यह शरीर तो मूंज की गास के समान बिल्कुल ही नीरस हो रहा है, ना मेरा कोई बंधु है और ना कोई आश्रयदाता, आवाज नहीं निकलती, किसके सामने अपना दुख रोऊं, मतलब रोने के लिए भी किसी के पास कहाँ रोऊं, रट रट कर मैं आश्रय विहीना दुबली हो गई हूँ, कोई खंबा नहीं है कि जिस पर थूनी वाली लकड़ी कड़ी हो सके, और आंखों से आंसू रूपी जल बरसने लगा, घर छूने लगा, हे पति मतलब रत्नसेन सब फिर अनुरोध कर रही है कि तुम्हारे बिना ना तो मेरे पास चप्पर है ना चाह, कौन मेरा नया टाट मतलब चप्पर बना, क्योंकि गर्मियों में फिर घर को नया चप्पर लगा के बेस्टिक बनाते हैं, अब मेरे पास कोई नहीं, हे कंत मतलब हे पति रत्नसेन, तुम्हारे बिना मेरा चप्पर ना बनेगा, हे पति अब भी दया करो, अन्य चप्पर मतलब अन्य स्त्रियों को छोड़कर अपने घर आओ,
क्योंकि विदेश में या अन्य प्रदेश में, अलग प्रदेश में कोई नागरी मतलब चतुरा नायिका के वश में बंधे हुए नायक से वो फिर अनुरोध करती है कि अन्य चप्परों को छोड़कर अपने घर आओ, मतलब अन्य स्त्रियों को छोड़कर अपने घर आओ, घर उजड़ रहा है, आकर इसे नया बनाकर बसा दो। इस पद का और मैं दूसरा अर्ध ये शुद्ध चप्पर संबंधी भी हो सकता है, और इसमें एक जायसी ने मुद्रा और श्लेष अति प्रिय थे, अतः इस पद का चप्पर वाला अर्ध भी मनोरंजक है, चप्पर वाला अर्ध भी अब हम देखेंगे। अब जेठ आषाढ़ की तपन होने लगी हैं, मेरे लिए पुरानी छाजन कष्टकर है, इसका तान सारा सिमट गया है, गर्मी की हवा से पूस का फैलाव सिमट जाता है, मैं उसके नीचे कड़ी सूख रही हूँ, उसकी ओरी मतलब अर्घला टूट गई है, और उसके बंधन टूटने से द्वार खोलते ही सिर पर आ गिरती है, इसमें सरकंडे नहीं लगे हैं, बांस के बंधे हुए बत्ते की कौन चलाए, टाट के बीच के बंधन टूट चुके हैं, और चप्पर को संभालने वाले कंधे भी एक नहीं रह गए हैं, बांक नामक छोटी आड़ी लकड़ी भी नहीं है, मैं किस से रोकर अपनी कथा सुनाऊं, यह दुपलिया छान अपनी जगह से हटकर सहारे को छोड़ चुकी है, इसमें तंब भी नहीं रह गया है, सहारे की धुनी भी टूट चुकी है, धुआं निकलने के लिए जो थमाले बने थे वे अब पानी बरसने पर टपकते हैं, हे कंत, हे पति, तुम्हारे बिना मेरी छाजन छाया नहीं करती, बांस कहाँ है जिससे टाट नया बनाया जा सके, हे प्रिय, हे रत्नसेन, तुम्हारे बिना चाजन नहीं रह सकती, अब भी कृपा कीजिए और विजन छोड़िए या उजड़ा राज मंदिर आकर बसा दीजिए। यहाँ बहुत बढ़िया दूसरे दोनों अंतिम पंक्तियों को मैं अब दिष्टि मया करुम चाहिन चाहिन तज गर आओ, मंदिर उजार होत है नवकैं आन बसाओ। यहाँ नागमती बहुत विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रही है कि यहाँ जिस प्रकार छप्पर के नीचे लकड़ी के खम्भे की टेक ना लगाने पर छप्पर झुक जाता है, उसी प्रकार मैं अवलंबहीन होने के कारण बहुत ही दुखी हो रही हूँ, मेरे पास कोई भी सहारा नहीं रहा है, मैं कैसे अपने इस शरीर को संभल कर रखूं, जिस प्रकार बिना खंभे और थूनी के चप्पर को टिकाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार मैं पति रूपी सहारे मतलब पति मतलब रत्नसेन के बिना असहाय हो उठी हूँ, मैं बिल्कुल असमर्थ हो गई हूँ, मेह बरस रहा है मेरे नेत्र मतलब स्वामी के विरह में निरंतर आंसुओं की वर्षा करते रहते हैं, बिना स्वामी के मैं इन दोनों प्रकार की जल वर्षा में भीग कर सरोबार हो उठी हूँ, नया चप्पर छाने के लिए मैं लकड़ी या बांस कहाँ ढूंढती जाऊँ, पति है तो ये सब काम करते हैं, पति तो आई ही नहीं, हे स्वामी, हे रत्नसेन से फिर वो अंतिम बार वो विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती है कि हे स्वामी, तुम्हारे बिना मेरे इस चप्पर को कोई भी नहीं जा सकेगा, हे निष्ठुर स्वामी, अब भी तुम मेरे ऊपर दया दृष्टि कर घर लौट आओ, मतलब राजमंदिर वापस आओ, मेरा घर उजड़ रहा है, तुम आकर इसे नए सिरे से फिर बसाओ, क्योंकि अब उजड़ा हुआ है, जैसे पति आ जाए संपूर्ण विरह दूर हो जाती हैं, फिर नए सिरे से नया जीवन शुरू करने की संभावना भी है। और अंत में कह सकते हैं कि इस पद में छप्पर संबंधी कोई जैसे छाजन बंद कंद सांटी टेक मूंज कौरा तंब तूनी आदि आए हैं, इसलिए इसको इसे मुद्रालंकार माना जा सकता है। इस पद के द्वारा जायसी और एक बार अपने ग्रामीण संस्कृति और भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति
कवियों की जो इच्छा, कवियों के जो आकर्षण और एक बार हमको दिखता है। इस प्रकार जायसी ने संपूर्ण पद के द्वारा वास्तव में भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत बढ़िया वर्णन किया है। धन्यवाद।